नमस्कार, आज की तारीख है 14 अप्रैल 2020। डेली फिल्म्स कैप्सूल में आपका स्वागत है। डेली फिल्म्स कैप्सूल में हम इम्पोर्टेंट न्यूज और स्टैटिक पार्ट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं, जिसका सोर्स होता है द हिंदू न्यूज़पेपर। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से न्यूज इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं civilservicehotspot@gmail.com पे। तो सबसे पहले स्टैटिक पार्ट में पेज 1 से है, पहला जीएसटी एक्ट। देखिए, जीएसटी एक्ट अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि सारे स्टेट अभी रेवेन्यू लॉस में जा रहे हैं। तो रेवेन्यू लॉस में जाने की वजह क्या है? पैंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से सारे स्टेट लॉकडाउन के अंडर में है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है, इसकी वजह से रेवेन्यू लॉस में स्टेट्स जा रहे हैं। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। देखिए, जब जीएसटी एक्ट का पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था तो उस टाइम पे ये मुद्दा उठा था कि जब अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए, रेवेन्यू लॉस में चला जा रहा है, तो उसके लिए जीएसटी उस स्टेट के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। तो वहां पे दो बातें रखी गई थी उस डिस्कशन के दौरान। पहली बात यह थी कि या तो उस स्टेट को कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू कंपनसेशन दिया जाए, दूसरी बात यह थी उस स्टेट को लोन प्रोवाइड किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने रेवेन्यू लॉस को मैनेज करने के लिए। तो ये दो बातें जब वहां रखी गई तो उसमें एक निष्कर्ष निकल के सामने आया, और वो निष्कर्ष ये था कि स्टेट को लोन प्रोवाइड किया जाएगा जबकि कंसोलिडेटेड फंड से पैसे नहीं दिए जाएंगे। अभी इसी मुद्दे पे बात चल रही है कि सारे स्टेट को कंसोलिडेटेड फंड से पैसा देना चाहिए या सारे स्टेट्स को जो भी रेवेन्यू लॉस में जा रहे हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए, जब जीएसटी एक्ट बना था तो उस टाइम पे डिसाइड हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को अगर रेवेन्यू लॉस में जाती है तो 5 साल तक के लिए वो कंपनसेशन प्रोवाइड करता रहेगा, और 5 साल के बाद वो स्टेट सेल्फ सफिशियंट होके खुद से अपने जीएसटी के जो भी रेवेन्यू हो उसको जनरेट करके अपने सारे खर्चे को कंप्लीट करेगा। तो ये रहा जीएसटी एक्ट के बारे में जिसको हमने डिस्कस किया और ये न्यूज में है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से। अगला है एमजी नरेगा। देखिए, एमजी नरेगा अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि एमजी नरेगा के अंतर्गत जितने भी काम होते थे रूरल एरियाज में वो अभी सारे बंद पड़े हुए हैं। तो उनके बंद पड़े रहने से जो भी वर्कर्स थे उनको डेली वेजेस में काफी प्रॉब्लम आ रही है। जिनको एमजी नरेगा के तहत काम मिलता था उनको काम नहीं मिल रहा है, और उनको डेली बेसिस पे जो उनको सैलरी मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है, यानी कि उनको डेली वेजेस नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए एमजी नरेगा अभी न्यूज में है। देखिए, छत्तीसगढ़ पिछले महीने में यानी कि लॉकडाउन से पहले सबसे ज्यादा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत जॉब प्रोवाइड किए थे, उसके बाद से आंध्र प्रदेश आता है। तो ये दोनों अभी रिपोर्ट आई थी तो उसमें कहा गया। ठीक है, तो एमजी नरेगा इसलिए न्यूज में है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से। अगला है पेज 5 पे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इस सेंचुरी में अभी एक टाइगरेस की मौत हो गई, जिसको वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट सर्च कर रहा है कि ये मौत किस वजह से हुई है। ठीक है, तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी इसलिए न्यूज में है, तो इसको आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। अगला है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। देखिए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया। उस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया कि जो वहां के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके टेन्योर को 5 साल से कम करके 3 साल कर दिया जाए। ठीक है, इसके अगेंस्ट में जो वहां के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं वो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में अपना पिटीशन डाला कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि मेरे टेन्योर को 5 साल से कम करके 3 साल किया जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के ऑटोनॉमी पे हमला है लेजिस्लेचर के द्वारा। आइए थोड़ा इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। ये तो अभी न्यूज की हमने बात कर ली। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, और गवर्नर क्यों करता है? क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन करवाने के लिए गवर्नर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करता है, और आर्टिकल 240 का के पार्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात करता है। अच्छा, अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल कैसे होता है? देखिए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल हाई कोर्ट के जज के जैसे ही होता है। जैसे हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है वैसे ही सेम प्रोसेस होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का। देखिए, इसके पहले भी एक केस और हो चुका था जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें अपरिमिता सिंह, उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला था, उनके भी टेन्योर को कम कर दिया गया था। तो उसमें हाई कोर्ट ने कहा गया था कि किसी भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर को कम करने का मतलब उस इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल नहीं होता है, और ये कह के उसने उस पिटीशन को खारिज कर दिया था। तो ये है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, और इसको आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। देखिए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के साथ ही साथ एक और अथॉरिटी होती है जिसका नाम होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर में डिफरेंस होता है। देखिए, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है वो बड़े चुनाव स्टेट में करवाता है। ठीक है, बड़े चुनाव इन द सेंस जैसे लोकसभा का चुनाव हो गया, स्टेट असेंबली का चुनाव हो गया, ऐसे चुनाव को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर
ऑफिसर ऑर्गेनाइज करवाता है, जबकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर केवल लोकल बॉडी का चुनाव करवाता है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, जबकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन करता है स्टेट के सुझाव पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है पेज 7 से पूना पैक्ट। देखिए, पूना पैक्ट अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है, इसलिए ये एडिटोरियल पेज से द हिंदू के न्यूज में है। देखिए, आइए थोड़ा सा पूना पैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था पूना में यरावडा जेल में। देखिए, ये पैक्ट दलितों के इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन के लिए साइन किया गया था, जिसमें क्या था, दलितों को इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन मिला था 71, लेकिन इस पैक्ट के साइन होने के बाद उनका इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन हो गया था, यानी कि एक तरह से आरक्षित कर दिया गया था इनके सीट को 147 प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि जो प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी उनमें उनका रिप्रेजेंटेशन 147 होगा। अब थोड़ा सा और इसके पीछे चलते हैं कि इस पैक्ट की शुरुआत हुई कहां से थी। जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 में, उस टाइम पे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे रामेसे मैकडोनल्ड, वो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन भारत के दलितों को देने की बात की गई थी, और उस इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। ठीक है, कम्युनल अवार्ड में ये था कि जो भारत के दलित हैं इनके पास दो वोट करने का राइट होगा, पहला वोट वो अपने दलित प्रतिनिधि को करेंगे और दूसरा वोट वो सामान्य प्रतिनिधि को करेंगे। और दलित प्रतिनिधि कौन होगा, जो उन 71 रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ था वो केवल दलित प्रतिनिधि ही होंगे, तो उनको केवल वो दलित इंसान जिसके पास दो वोट करने की राइट है वो केवल दलित को ही वोट करेगा और एक वोट से वो केवल सामान्य को करेगा। तो ये था कम्युनल अवार्ड, तो जिसको लेके महात्मा गांधी इसके विरोध में आ गए और उन्होंने फास्ट ऑन टू डेथ तक के लिए इसका विरोध करने लगे। और उस टाइम पे महात्मा गांधी यरावडा जेल में थे और यरावडा जेल में रहते हुए वो इस कम्युनल अवार्ड का विरोध कर रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ कि 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूना गए और पूना गांधी जी से मिले और वहां पे इन दोनों लोगों के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ था। तो ये हमने डिस्कस किया पूरा पूना पैक्ट, जो कि दलितों के कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। और जब ये पैक्ट साइन हुआ तो उसमें दलितों को रिजर्व सीट दिया गया, और रिजर्व सीट मींस कि पहले 71 केवल सीट था विद कम्युनल अवार्ड, लेकिन अब कम्युनल अवार्ड नहीं रहेगा, वो 147 सीट पे केवल दलित ही चुनाव लड़ेंगे या प्रतिनिधि अपना उतार सकते हैं, जबकि उनमें दलितों के पास कोई ऐसा वोटिंग राइट सिस्टम नहीं होगा, यानी कि डबल वोट राइट सिस्टम नहीं होगा, केवल सिंगल वोट से ही वो जिसको मर्जी उसको वोट कर सकते थे। तो ये था पूरा पूना पैक्ट जिसको हमने डिस्कस किया। आप इसको किसी और ऑथेंटिक सोर्स से और एक्सटेंसिव वे में पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। पेज 8 से है गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर। देखिए, अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ था कि गवर्नर ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए फ्लोर टेस्ट के लिए वहां की गवर्नमेंट को बुला लिया था, और इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि गवर्नर का फ्लोर टेस्ट के लिए स्टेट के गवर्नमेंट को बुला लेना अचानक से गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत आता है। ठीक है, गवर्नर किसी भी टाइम पे अपने पूरे टेन्योर में स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दे सकता है कि वो आके फ्लोर टेस्ट करें। अगर गवर्नर को ऐसा फील होने लगता है कि स्टेट असेंबली के पास प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वो किसी भी वक्त पे फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है, बस इलेक्शन के जस्ट बाद नहीं बुला सकता, लेकिन अपने टेन्योर में किसी भी टाइम पे वो स्टेट असेंबली को फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है। तो ये है गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर, इसके बारे में आप और एक्सटेंसिव वे में आप पढ़ सकते हैं किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से। अगला है पेज 9 से बिहू। देखिए, अभी आसाम में रोंगाली बिहू मनाया गया 14 अप्रैल को। ठीक है, ये एक आसाम का काफी फेमस फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है उससे हमारा जो फूड ग्रेन है वो काफी अच्छा पैदा हो, अच्छा अनाज पैदा हो, और हार्वेस्टिंग के टाइम पे मौसम सही, यानी कि वेदर कंडीशन सही रहे। रोंगाली बिहू ये आसाम का काफी फेमस फेस्टिवल है। देखिए, बिहू तीन तरह के मनाए जाते हैं आसाम में। पहला है काती बिहू, जो कि अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है। दूसरा है माघ बिहू, जो कि जनवरी मंथ में मनाया जाता है। और तीसरा है रोंगाली बिहू, जो कि अप्रैल के मंथ में मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, जिस दिन बिहू मनाया जाता है ये मतलब एक तरह से न्यू ईयर के तरह से होता है। ठीक है, ऐसे ही उसी दिन अलग स्टेट में न्यू ईयर के तौर पे ही अलग अलग सेलिब्रेशन होते हैं, जैसे कि बैसाखी पंजाब में, पोलिया बैसाखी बंगाल में, पुठांडू तमिलनाडु में, और विशु केरला में। तो ये सारे न्यू ईयर फेस्टिवल के तौर पे लोकली मनाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, बैसाखी पंजाब में, पोलिया बैसाख बंगाल में, पुथांडू तमिलनाडु में, और विशु केरला में। तो ये हमने डिस्कस किया विहू, आप इसको और किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। अगला है इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड। देखिए, इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा अभी एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया जिस
जिसमें कहा गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को काफी ज्यादा बूस्ट मिला है लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट पे। इंडिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। अगला है गंगा एंड यमुना रिवर बेसिन। देखिए गंगा एंड यमुना रिवर बेसिन को आप स्टैटिक पार्ट में, काफी इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसके वाटर के कंटामिनेशन को टेस्ट किया गया है कि अभी लॉकडाउन के दौरान यमुना और गंगा रिवर का पानी कितना गंदा। साइबर क्राइम इन इंडिया। देखिए साइबर क्राइम इन इंडिया अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी एक वेबसाइट पाया गया है जिस वेबसाइट का नाम है डीप न्यूड। इस वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट को इसके पहले भी बैन कर दिया गया था लेकिन अभी ये वेबसाइट फिर रनिंग में आ गया है। इस वेबसाइट में क्या किया जाता है कि किसी और के फेस का यूज करते हुए कोई अलग से न्यूड पिक उसके साथ स्टिक कर दी जाती है और जिसका फेस यूज किया जाता है उसको ब्लैकमेल किया जाता है इस वेबसाइट के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए साइबर क्राइम इन इंडिया को आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं, ये न्यूज में है। अगला है पेज 12 से अपालाचेन माउंटेन रेंज। देखिए अपालाचेन माउंटेन रेंज अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी मिसिसिपी और जॉर्जिया जो कि अपालाचेन माउंटेन रेंज के साउदर्न पार्ट पे हैं, वहां पे अभी काफी जोरदार स्टॉर्म आए उसकी वजह से 11 लोगों की डेथ हो गई, तो इसलिए अपालाचेन माउंटेन रेंज न्यूज में है। देखिए अपालाचेन माउंटेन रेंज ये यूएसए में है और ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है, तो इसका लोकेशन आप मैप पे देख सकते हैं और इसको इसके बारे में और आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। अगला है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। देखिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 32% से कम होकर 19% पे आ गया है इस लॉकडाउन के दौरान, तो इसलिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस न्यूज में, आप इसको किसी अन्य ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। तो ये रहे आज के टोटल स्टैटिक पार्ट जिसको आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। अगला है एडिटोरियल पेज से सैकिंग बाई सफ्टरफ्यूज। देखिए सफ्टरफ्यूज का मतलब होता है कि बहाने से। ठीक है, अभी आंध्र प्रदेश में वहां के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को ऑर्डिनेंस के थ्रू उनके टेन्योर को कम किया गया है, उस पे बेस्ड ये आर्टिकल है जिसको आप पढ़ सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन इससे काफी अच्छा मिल जाएगा यूपीएससी के लिए, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला आर्टिकल है एक्सेसिव जस्टिस ऑनलाइन। इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि जस्टिस सिस्टम को और एक्सटेंसिव बनाना चाहिए ताकि लोगों तक और आसान तरीके से और कॉम्प्रिहेंसिव वे में पहुंच सके जस्टिस, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, अच्छा आर्टिकल है। अगला है अम्बेडकर एंड पूना पैक। अभी हमने इसको डिस्कस किया था अम्बेडकर एंड पूना पैक, आप इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू द पूना पैक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन सितंबर 1932 द पैक्ट वाज साइंड बाय अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास एंड महात्मा गांधी ऑन बिहाफ ऑफ द अपर कास्ट। देखिए जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था पूना पैक, तो उस टाइम पे महात्मा गांधी जेल में थे तो जेल से वो एग्रीमेंट तो उनके और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में तो हुआ था, लेकिन उस एग्रीमेंट पे साइन कौन किया था? वो साइन किया था मदन मोहन मालवीय, किसके बिहाफ पे? अपर कास्ट के बिहाफ पे। तो देखिए यहाँ पे ये महात्मा गांधी उस एग्रीमेंट पे साइन नहीं किए थे, ये यहाँ पे आएगा मदन मोहन मालवीय जी ने उस पे साइन किया था, तो ये महात्मा गांधी रॉन्ग होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, तो पहला स्टेटमेंट इसकी वजह से गलत है और ये चीज आप याद भी रखिएगा। अगला स्टेटमेंट है दिस पैक्ट एंडेड द फास्ट दैट गांधी हैज अंडरटेकन इन द जेल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामेसे मैकडोनल्ड्स अवार्ड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट टू द डिप्रेस्ड क्लास। देखिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है दूसरा, तो इसमें स्टेटमेंट में 2 ओनली होगा, दोनों में बी आंसर इसका करेक्ट होगा। इसका सोर्स है द हिंदू और विकिपीडिया पेज 8 से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विद द रेफरेंस टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नर फॉर 6 ईयर टर्म। देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को गवर्नर तो अपॉइंट करता है लेकिन टर्म भी गवर्नर ही निर्धारित करता है। ठीक है कि कितने टर्म के लिए ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक है, अब देखिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो हेड होता है इलेक्शन कमीशन का, उसका टर्म होता है 6 ईयर का, तो इसलिए ये यहाँ पे गलत है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का टर्म गवर्नर डिसाइड करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा इसकी वजह से। दूसरा स्टेटमेंट है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द कलेक्टर एक्ट एज ए रिटर्निंग ऑफिसर हु अपॉइंट्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर एवरी पोलिंग बूथ इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर के तहत काम करता है और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करता है बूथ लेवल कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें बी होगा आंसर, 2 ओनली आंसर होगा। सोर्स द हिंदू और लक्ष्मीकांत का पेज 5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जीएसटी एक्ट प्रोविड्स विदड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है अंडर जीएसटी लॉ स्टेट वर इन गारंटीड बाय सेंटर टू बी पेड फॉर मनी एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू इन द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ द जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि ये 3 साल के लिए 5 साल के लिए जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के गवर्नमेंट अगर लॉस रेवेन्यू स्टेट में होता है तो उसके लिए कंपनसेशन देगी, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला करेक्ट है, तो ए होगा इसका
आंसर। सोर्स है द हिंदू का पेज 1 और 8। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए गवर्नर कैन कॉल फॉर ए फ्लोर टेस्ट एट एनी टाइम ही ऑब्जेक्टिवली फील्स ए गवर्नमेंट इन पावर हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, गवर्नर कभी भी बुला सकता है फ्लोर टेस्ट के लिए। गवर्नर डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन कंसल्टेशन विद द स्पीकर। देखिए, ये स्पीकर से कंसल्टेशन नहीं करता है, ये इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, दूसरा पहला करेक्ट होगा, तो आंसर होगा ओनली ये। सोर्स है द हिंदू का पेज 8। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। रोंगाली बिहू कहाँ मनाया जाता है? आसाम में, पोलिया वैशाख पंजाब, पुथांडू आंध्र प्रदेश, विशु केरला। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखिए, रोंगाली बिहू आसाम में, बिल्कुल करेक्ट है, आसाम में ही मनाया जाता है। पोलिया वैशाख देखिए पंजाब लिखा हुआ है, देखिए ये बंगाल में मनाया जाता है, पंजाब नहीं होगा यहाँ पे, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा है पुथांडू आंध्र प्रदेश, देखिए पुथांडू तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो ये भी गलत है। विशु केरला, विशु करेक्ट है, केरला में मनाया जाता है, तो आंसर होगा 1 और 4 ओनली। सोर्स है इसका द हिंदू का पेज 9। तो थैंक यू, आज हमने टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस किया, स्टैटिक पार्ट डिस्कस किया और एडिटोरियल में हमें क्या पढ़ना है वो हमने डिस्कस किया। तो अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।